नमस्कार दोस्तों, मैं बकू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एच टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, कुछ खबरें निकल के आ रही है बिहार सिविल कोड एग्जाम के रिगार्डिंग। आप लोग को बार बार एक ही सवाल रहता है, सर एग्जाम कब होगा, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, बिहार सिविल कोड का फॉर्म कलेक्शन का डेट मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देर रात 10 बजे बात किए हैं, क्या बताएं नहीं बताएं सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए में वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिहार सिविल कोड के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के आ रही है इस वीडियो में बता रहे हैं, रात में जो बातचीत किए हैं क्या निकल के आया है फाइनली डिसीजन इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं, आपको भी पता है कल लगभग 4 बजे के आसपास हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे आज 11 बजे ट्विटर पे वहाँ कैंपेन करना है और सभी 18 लाख स्टूडेंट को कैंपेन करना है, ट्विटर पे ट्वीट करना है और जब तक वो ट्रेंडिंग में नहीं आए तब तक ट्वीट नहीं छोड़ना है, री ट्वीट आपको करते रहना है। स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी हम आपको बता दी, आप कैसे ट्वीट कर सकते हैं और कहाँ से ट्वीट कर सकते हैं, ट्वीट क्या कीजिएगा, क्या आपको लिखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता दिया। उस वीडियो के डिसीजन के में इस वीडियो में के डिसीजन उस वीडियो को हम लिंक दे दिए हैं, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों रात में जो बातचीत हुई है पदाधिकारी से वो बताए हैं, सर आप लोग कल महा ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, महा आंदोलन चला रहे हैं या आपको नहीं करना है 29 तारीख को। आपको पता है जो आज 27 तारीख है, 29 तारीख को बोले हैं जो बोर्ड का बैठक है, कमेटी का बैठक है जिसमें सभी 8 मेंबर रहेंगे और फैसला निकल के उस दिन आ जाएगी जो बिहार सिविल कोड का एग्जाम कब है, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और फॉर्म कलेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ध्यान समझिए, आज 27 तारीख है, 29 तारीख को विभाग का बैठक है जिसमें बताए थे 8 जो कमेटी गठन किया गया, कमेटी के जो 8 मेंबर है 8 मेंबर उसमें उपस्थित रहेंगे और उस दिन अंतिम फैसला होगा और अंतिम मोहर लगेगी जो बिहार सिविल कोड का एग्जाम कब है, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, बिहार में कितने जिलों में सेंटर बनाया जाएगा और किस किस डेट को बिहार सिविल कोड का एग्जाम है, फॉर्म कलेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए रात बात किए तो बोले आज आप लोग को ट्विट कैंपेन नहीं करना है, ट्विटर कैंपेन आपको नहीं करना है। तो दोस्तों हम लोग को ट्विटर कैंपेन आज करना है, 11 बजे विभाग क्या कहा नहीं कहा, बातचीत में क्या निकला नहीं निकला वो मायने नहीं रखता, मायने अभी यही रखता है आज 11 बजे सभी स्टूडेंट अपना पूरे दमखम लगा देना है और दमखम लगा के जब तक ट्रेंडिंग में नहीं आए, हम बता दिए हैशटैग आपको देना है, डिक्लेयर सारा चीज़ हम आपको लिख दिए है, स्टेप बाय स्टेप करके बताए हुए उस वीडियो का डिसीजन में हम इस वीडियो में लिंक दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा आपको कैसे ट्वीट करना है और क्या लिखना है सारा चीज़ हम आपको उसमें बता चुके हैं। जब तक ट्रेंडिंग में नहीं आए तब तक आपको नहीं छोड़ना है, हर हाल में हम लोग को बोर्ड का बैठक होगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को आज ट्विटर कैंपेन करना है तो करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो में क्या बताना चाह रहे हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए क्योंकि आपको ही पता है पी एच टी की क्लासेस सही और सटीक जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों हम लोग बहुत बातचीत किए, बहुत मेल किए, नहीं सुने तब लास्ट में हम लोग ट्विटर कैंपेन करना स्टार्ट किए। तो हम सभी जो भी बिहार सिविल कोड पर वीडियो बनाते हैं वो सभी यूट्यूबर को हम यही कहेंगे आज 11 बजे सभी स्टूडेंट को बोलिए और ट्वीट करने के लिए। थैंक यू।